hello class 4th welcome to erudite school of learning so in our last class we were solving this exercise 2.4 and we were on page number 30 of your textbook okay so basically uh, we have learned in our last class that how to find an estimated sum of given numbers okay we also discussed that how we can use it in our real life uh, by सम एग्जाम्पल्स सो आई होप यू हैव लर्नड ऑल दो इट्स जस्ट रिविजन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इन योर थर्ड क्लास ऑल्सो वी हैव दिस राउंड ऑफ ओके सो फिर से हमारा बच्चों दो बार रिविजन हो गया एक तो थर्ड क्लास में हम पढ़ चुके हैं नियरेस्ट टेंस पर कैसे राउंड ऑफ करते हैं ठीक है फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं और अभी इस चैप्टर में भी हमारा रिविजन हो रहा है नीयरेस्ट टेंथ पर राउंड ऑफ़ करने के लिए हम डिजिट कौन सी देखते हैं वंस वाली ठीक है एक और तरीके से बच्चों आप सोच सकते हो कि अगर मुझे फोटीन को राउंड ऑफ करना है ठीक है तो हमको ये पता है फ़ोटीन किसके बीच में आता है टेन और ट्वेंटी के बीच में आता है ठीक है तो हमने ये सीखा है अगर यहाँ पे वंस तक अगर फाइव से छोटा डिजिट आ रहा है तो ये सब किसकी टीम में चले जाते हैं टेन की टीम में, में लेफ़्ट वाले की टीम में और जैसे ही यहाँ पे फाइव आना शुरू होता है ये सब किसकी टीम में चले जाते हैं ट्वेंटी की टीम में तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि टेन से लेके लेकर अगर इलेवन से लेके फोर्टीन तक मुझे कोई नंबर बताया गया है तो मैं क्या बोलूँगा टेन बोलूंगा, बोलूंगा ठीक है अगर फिफ्टीन से लेके नाइनटीन ट्वेंटी की टीम में तो ऐसे ही जैसे इलेवन से फोर्टीन था वैसे ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी की टीम में जैसे फिफ्टी से नाइनटीन ट्वेंटी की टीम में था वैसे ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी नाइन थर्टी की टीम में थर्टी वन से थर्टी फोर थर्टी की टीम में थर्टी फाइव से थर्टी नाइन फोर्टी की टीम में ठीक है जैसे फाइव आना शुरू होता है थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव तो ये आगे वाले की टीम में चले जाते हैं ट्वेंटी फाइव तो थर्टी ट्वेंटी सिक्स तो थर्टी ट्वेंटी फोर तक ट्वेंटी रहता है ठीक है ये सभी नंबर ट्वेंटी और थर्टी के बीच में आते हैं ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी नाइन तक ठीक है लेकिन फोर तक क्या होता है पहले वाले की टीम में रहते हैं ठीक है फोर तक क्या होता है पहले वाले की टीम में रहते हैं टेन की टीम में ठीक है और फाइव से क्या ऑन हो जाता है नेक्स्ट वाले की टीम में चले जाते हैं ठीक है तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि आपको जल्दी से सिक्सटी फाइव को राउंड ऑफ करना है तो सेवेंटी ट्वेंटी फाइव को राउंड ऑफ करना है थर्टी ट्वेंटी सिक्स को राउंड ऑफ करना है थर्टी नियरेस्ट टेंस पर ठीक है ऐसे ही थर्टी फाइव को थर्टी सिक्स को थर्टी सेवन को राउंड ऑफ करना है थर्टी एट को राउंड ऑफ करना है डायरेक्ट फोर्टी बोल दो आपको पता है थर्टी फाइव थर्टी फाइव से बड़ा होगा तो फोर्टी की टीम में आएगा ऐसे 45 होगा तो 50 की टीम में आएगा ऐसे 55 से लेके 59 तक 60 की टीम में आएंगे और अगर ऐसा कोई नंबर बोले 31, 32 तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 30, 34 तक सब 30 की टीम में 24 तक सब 20 की टीम में 14 तक सब 10 की टीम में राउंड डाउन ठीक है जिस ट्रिक से आपको सोचना आसान लगे वो ट्रिक बच्चों आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था नाउ सेकंड क्वेश्चन ठीक है 99 नाइन प्लस वन पहले तो एक्चुअल सम निकालेंगे जैसे हम सम करते हैं और फिर हम निकालेंगे एस्टिमेटेड सम ठीक है मतलब दोनों को नियरेस्ट टेन पे राउंड ऑफ करके उसने खुद ही ने बोला है कि नियरेस्ट इस बार बच्चों हम क्या करेंगे स्टेप वन स्टेप टू सिस्टमेटिकली देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली कर दिया था ठीक है वैसे भी आप कर सकते हैं पर एक सिस्टमेटिकली हम अगर एक बार सीख जाए अच्छे से कि पहले ये एक स्टेप करनी है फिर ये स्टेप करनी है ठीक है तो सबसे पहले एक्चुअल सम हम निकाल लेते हैं ठीक है एक्चुअल सम कैसे निकालेंगे जो जो नंबर जैसे जैसे दिए हैं वैसे वैसे प्लस करके सिंपली ठीक है अगर आपसे कोई पूछ रहा नहीं मुझे तो एग्जैक्ट जानना है कि आप कितने का लाए हो सामान तो आप एग्जैक्ट प्लस करोगे एक्चुअली मैं जितना लाया हो नाइनटी नाइन प्लस वन हंड्रेड टू ये टू डिजिट का नंबर है बच्चों इसलिए हमने इसको नीचे लिख लिया है ठीक है आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं लेकिन हम जनरली फॉर्मेशन प्लस में ऐसे ही रखते हैं कम डिजिट वाले वा नंबर को नीचे रखते हैं ठीक है ठीके? तो हमारा फॉर्मेशन थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है अब बच्चों नाइन में टू प्लस करना है ठीक है तो एक ट्रिक तो हमारे पास है ही नाइन वाली टू से पहले क्या आता है वन तो एलेवन ठीक है नहीं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो टू को काउंट कर लो वन टू और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे नाइन के बाद से मतलब टेन और इलेवन तो इलेवन का एक वन तो जाएगा ऊपर कैरी में और एक वन आएगा नीचे वंस वाला नीचे टेंस वाला ऊपर ठीक है नाइन में वन प्लस करना है किसी भी नंबर में हम वन प्लस करते हैं मतलब नाइन के बाद काउंटिंग में कौन आता है टेन तो नाइन प्लस वन टेन ठीक है और लास्ट में वन प्लस वन टू ये तो बच्चों हमारा क्या आया एक्चुअल सम कोई एग्जैक्टली पूछे बताओ दोनों का सामान मिला के कितने का आया तो आप बोलोगे भाई टू हंड्रेड वन का आया रुपीस का आया अब निकालेंगे बच्चों एस्टिमेटेड सम अंदाजे वाला अंदा, हमें जल्दी से बताना है हमें एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है हमें जल्दी से राउंड ऑफ़ करके बताना है कि लगभग कितने का सामान आया है तो स्टेप वन पहली स्टेप क्या है एस्टिमेटेड सम में पहली स्टेप में हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस ठीक है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस दोनों को ही नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ़ कर लेंगे ठीक है तो सबसे आसान ट्रिक जो आज एक तो हमने सीखी है आपको पता है वन हंड्रेड टू थ्री फोर ये सब हंड्रेड की टीम में आएंगे क्योंकि वन हंड्रेड टू किसके बीच में आएगा हंड्रेड और वन हंड्रेड टेन के बीच में क्योंकि हमें नियरेस्ट ऑफ करना है ठीक है अगर हम बात करें वन हंड्रेड टू की तो ये किसके बीच में आएगा कौन से दो टेन के बीच में आएगा एक तो इस तरफ तो होगा हंड्रेड और इस तरफ कौन होगा वन हंड्रेड टेन काउंटिंग हमको आनी चाहिए कि कौन से दो टेन के बीच में ये आएगा अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो और अगर वंस में अगर फाइव से छोटा नंबर है तो ये राउंड डाउन होगा तो एक तो ये ट्रिक हमने सीखी थी एक ट्रिक क्या सीखी थी डायरेक्ट वाली अगर यहाँ पर फाइव से छोटा नंबर है तो क्या करेगा इसमें कोई चेंज नहीं करेगा और ख़ुद तो ज़ीरो हो गई होगा ज़ीरो तो वो होता ही है ठीक है चाहे स्ट्रॉन्ग नंबर हो चाहे वीक नंबर हो अगर स्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो वन प्लस करके फिर ज़ीरो होगा और अगर वीक नंबर होगा तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा कुछ भी प्लस नहीं करेगा लेफ्ट साइड में ठीक है तो इसका मतलब टू वीक नंबर है जीरो वन टू थ्री फोर वीक नंबर होते हैं लास्ट लास्ट में हमने पढ़ा था ठीक है तो ये क्या करेगा कोई भी चेंज नहीं करेगा ये सभी कमज़ोर नंबर होते हैं फाइव से छोटे जो भी होते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर वीक नंबर्स और फाइव या फाइव से बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो टू क्या है वीक नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगा ये ऐसा का ऐसा रहेगा और खुद भी जीरो हो जाएगा तो वन हंड्रेड टू हंड्रेड की टीम में और अगर आप तीसरी जो आज हमने एको ट्रिक सीखी है इनफैक्ट फोर्थ ट्रिक ठीक है क्या सीखी है कि इलेवन से फोर्टीन टेन की टीम में फिफ्टीन से नाइनटीन टू ट्वेंटी की टीम में ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी की टीम में ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी नाइन थर्टी की टीम में तो कुल मिला के इलेवन से फोर्टीन टेन ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी की टीम में थर्टी वन से थर्टी फोर थर्टी की टीम है तो जब तो यहां तक यहाँ तक यहाँ पे फोर रहता है ये पहले वाले की टीम में ही रहते हैं नेक्स्ट वाले टेम की टीम में नहीं जाते हैं तो वन हंड्रेड टू से वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड थ्री वन हंड्रेड फोर ये सब किसकी टीम में लेंगे हंड्रेड की टीम में ही रहेंगे वन हंड्रेड टेन की टीम में नहीं जाएंगे तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं जैसे आपको बच्चों ईजी लगता है ठीक है आप बात करें इसको राउंड ऑफ करने की नियरेस्ट टेंस पर ठीक है वैसे तो आप खुद भी सोच सकते हो नाइन्टी नाइन हंड्रेड के बहुत करीब है है ना तो आप डायरेक्टली हंड्रेड कर सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो कि फ़ाइव से बड़ा है वंस जब भी हम नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं तो वंस वाली डिजिट देखते हैं ठीक है थीके? वंस वाली प्लस कौन सी होती है ये वाली ये वाली वंस वाली, वंस वाली ये टेंस ठीक है तो ये फाइव फाइव से बड़ा है तो ये ज़ीरो तो होगा लेकिन इसमें वन प्लस करके जाएगा तो नाइन में अगर वन प्लस करेंगे तो टेन हो जाएगा यहाँ पर और ये खुद क्या बन जाएगा जीरो ठीक है फाइव होता है तो सिक्स बनाता है सिक्स होता है तो सेवन बनाता है नाइन होता है तो टेन बनाता है ठीक है तो इस तरह से बच्चों हमने राउंड ऑफ कर दिया दोनों को राउंड ऑफ करने पर क्या आया हंड्रेड और अब हम एस्टिमेटेड सम में क्या करते हैं इन राउंड ऑफ वैल्यूज की का सम निकालते हैं ठीक है ठीके? दोनों को प्लस कर लेते हैं तो सिंपली वन हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड कितना होगा टू हंड्रेड क्योंकि वन प्लस वन टू होता है जीरो प्लस ज़ीरो जीरो फिर जीरो प्लस जीरो जीरो और वन प्लस वन टू ईजी अब बच्चों बात आती है अगर कंपैरिजन की तो आप बस यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना करीब है दोनों हमने ये अंदाजे से निकाला था जैसे हम वन हंड्रेड टू रुपये का कोई चीज़ लाए नाइनटी नाइन रुपये कोई चीज़ लाए तो टोटल कितने की लाए हमने माइंड में फटाफट से राउंड ऑफ़ किया दोनों के लोग दोनों हंड्रेड के करीब हैं तो मैंने दो सौ रुपये की कोई चीज़ लाया हो लगभग दो सौ रुपये की लाया हूँ लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो दोनों को एग्जैक्टली प्लस करके टू हंड्रेड वन दोनों करीब होने चाहिए ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए तो हमारा एस्टिमेशन भी सही है ठीक है अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे ठीक है थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक्चुअल सम निकाल लेते हैं जैसे हम प्लस करते हैं सिंपली क्योंकि उसने दोनों सम निकालने को बोला है हमको एक्चुअल सम भी बोला है और एस्टिमेटेड भी एस्टिमेटेड कौन सा वाला बोला है नियरेस्ट टेंस वाला ठीक है तो सबसे पहले एक्चुअल सम निकाल लो जैसे हम सम करते हैं वैसे सम कर लो फिर से एक टू डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर को हम नीचे लिख लेंगे चाहे तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली हम नीचे ही लिखते हैं उससे हमारा फॉर्मेशन सही रहता है और गलतियाँ होने के चांसेस कम रहते हैं ठीक है नाउ नाइन में फ़ाइव प्लस करना है फिर से हम वो ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि फाइव के पहले क्या आता है फोर तो फोर्टीन ठीक है और अगर आप ऐसा काउंट करना चाहें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव को काउंट करेंगे और नाइन के बाद से काउंटिंग बोलेंगे टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो भी फोर्टीन ही आएगा तो ट्रिक से बच्चों हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है ठीक है नाउ वन प्लस वन टू ज़ीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर और यहाँ पे फाइव का फाइव इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल सम आया है वो क्या है? 524 आया है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर आया है ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों हम एस्टिमेटेड सम निकालेंगे मतलब अंदाजे वाला ठीक है एस्टिमेटेड सम की पहली स्टेप क्या है राउंड ऑफ़ इस बार हमने पूरा नहीं लिखा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस क्योंकि अंडरस्टूड है क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि हमें राउंड ऑफ़ नियरेस्ट टेंस पे ही करना है उसने खुद ने बोला है स्पेसिफिकली तो हमने उसी की सुन रहे हैं तो हम सिंपली राउंड ऑफ लिख देंगे अंडरस्टूड है स्टेप वन में हमें पहले क्या करना है राउंड ऑफ़ करना है ठीक है फिर स्टेप टू में सम निकालना है तो पहले राउंड ऑफ करते हैं इन दोनों का अभी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे फाइव है मन में भी कर सकते हैं बच्चों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप मन में पता लगा लोगे नियरेस्ट टेंथस पे राउंड ऑफ करना है तो डिजिट कौन सी देखनी है वंस वाली दोनों की वंस वाली डिजिट देखनी है अगर फाइव या फाइव से बड़ी है तो क्या करेगा इसमें वन प्लस कर देगा मतलब जीरो प्लस वन वन हो जाएगा तो फाइव हंड्रेड टेन हो जाएगा क्योंकि ये तो जीरो होता ही है ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे ऐसे ही नाइन है नाइन क्या हो जाएगा फाइव से बड़ा है तो इसमें वन प्लस करेगा मतलब इसको टू बनाएगा और फिर ज़ीरो होगा ठीक है तो दोनों ही अपने लेफ्ट में वन प्लस करके फिर ज़ीरो होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही काम हम करेंगे उससे पहले मैं चाहता हूँ बच्चों आप इसका एक स्नैपशॉट ले लें या फिर आप पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके यहाँ तक कॉपी कर लें ठीक है देन आई विल टर्न पेजेस सो आई होप बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा तो बच्चों स्टेप वन हमारी क्या है राउंड ऑफ करना है हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस पर तो वंस वाली डिजिट को ही हमको देखना है वंस में फाइव या फाइव से बड़ा हो तो ये क्या करता है ज़ीरो तो होता ही है लेकिन इसमें वन प्लस करता है अपने जस्ट लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है जस्ट लेफ्ट वाला इसमें नहीं करेगा जस्ट लेफ्ट साइड में जो होगा जस्ट पास वाला जस्ट पास वाला लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा उसमें उस डिजिट में वन प्लस करेगा मतलब जीरो को क्या बना देगा वन अगर वन होता तो टू बना देता टू होता तो थ्री बना देता यहाँ जीरो है जीरो में अगर आप वन प्लस करोगे तो क्या आएगा वन आएगा ठीक है और फिर खुद जीरो हो जाएगा तो फाइव क्या बन गया यहाँ पे ज़ीरो लेकिन इसको वन बना के गया इसमें वन प्लस करके गया तो फाइव हंड्रेड फाइव फाइव हंड्रेड टेन बन गया और 19 क्या बन जाएगा 20 क्योंकि फिर हमारे पास वन प्लेस पे कौन सा नंबर है स्ट्रॉन्ग नंबर है मतलब फाइव या फाइव से बड़ा नंबर है तो ये क्या करेगा इसमें वन प्लस करेगा फिर ज़ीरो होगा तो वन में अगर आप वन प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा टू बस काउंटिंग में जो इसके बाद नंबर आता है वही आपको लिखना होता है वन के बाद क्या आता है टू तो टू लिख दो और इसको ज़ीरो बना दो ठीक है अब बच्चों ये हमारे पास जो वैल्यू आई है स्टेप टू में हम क्या करेंगे इन दोनों का सम लेंगे जो एस्टिमेटेड सम हम निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे जो दोनों राउंड ऑफ वैल्यूज आई है इन दोनों का क्या कर लेंगे सम ठीक है एडिशन कर लेंगे जीरो प्लस ज़ीरो जीरो टू में आप वन प्लस करोगे तो क्या आएगा थ्री क्योंकि टू के बाद काउंटिंग में क्या आता है थ्री आता है और यहाँ पे फाइव का फाइव ठीक है अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत इजी है दोनों टू डिजिट के नंबर है ठीक है एक्चुअल सम निकालेंगे पहले सिंपली दोनों का ठीक है अच्छा बच्चों बात करें लास्ट क्वेश्चन की तो इसका आप कंपेयर करोगे 530 और वहाँ कितना आया था हमारा 524 तो दोनों ही बहुत करीब है सिर्फ सिक्स का डिफरेंस है ठीक है तो इतना डिफरेंस एडिशन में चलता है ठीक है नियरेस्ट टेंस में नाउ 61 वन प्लस सेवनटी हमको करना है तो सिंपली पहले प्लस कर लो एक्चुअल सब निकालना है तो सिंपली प्लस करना है आपको कॉलम फॉर्मेट में अरेंज करके और सिंपली प्लस करना है फ़ाइव में अगर वन प्लस करोगे तो क्या आएगा सिक्स क्योंकि फाइव के बाद सिक्स आता है काउंटिंग में ठीक है और सेवन में सिक्स प्लस करना है इसको भी याद कर लो बच्चों सेवन प्लस सिक्स हमेशा थर्टीन होता है जितनी ज़्यादा आप खुद के हाथ से प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी और अगर आप रट ले अभी इनिशियल स्टेजेस पे तो बहुत अच्छी बात है आप डायरेक्टली सेवन और सिक्स को देखते ही पता लगा सकते हो कि थर्टीन होता है कैसे होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स काउंट कर लिया हमने फिर सेवन के बाद से काउंटिंग बोल ली एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन सो एक्चुअल सम कितना आया हमारा यहाँ पर वन हंड्रेड थर्टी सिक्स ठीक है अब निकालेंगे एस्टिमेटेड सम इसको हम दो स्टेप्स में निकालते हैं पहली स्टेप में क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं दोनों का दोनों वैल्यूज़ का राउंड ऑफ कर देते हैं और फिर सेकंड स्टेप में जो राउंड ऑफ वैल्यू आती है उनका सम ले लेते हैं नियरेस्ट टेंस पे अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो क्या देखना है वंस प्लेस की डिजिट अगर ये फाइव से छोटी है मतलब वीक नंबर है अगर फाइव से छोटा है तो जीरो वन टू थ्री या फोर तो सिंपली ज़ीरो हो जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं करेगा सिंपली खुद ज़ीरो हो जाएगा तो सिक्सटी वन का सिक्सटी हो गया और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है तो इसमें वन प्लस करके फिर ज़ीरो होगा ठीक है जीरो तो दोनों होते हैं लेकिन इस स्ट्रॉन्ग नंबर क्या करता है इसमें वन प्लस करके जाता है तो सेवन को एट बना देगा और खुद क्या हो जाएगा जीरो तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों राउंड ऑफ़ वैल्यूज़ आ गई अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं इन राउंड ऑफ़ वैल्यूज़ का सम कर देते सेम काम कर रहे हैं सभी में तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो और ये चीज़ भी याद मैंने आपको पहले भी कितनी बार हमारे पास ये पेयर आ चुका है एट प्लस सिक्स का हमेशा फोर्टीन होता है एट प्लस सिक्स फोर्टीन होता है एट प्लस सेवन फिफ्टीन होता है ठीक है तो आप चाहो तो अभी इनिशियली काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स काउंट कर लिया और एट के बाद से काउंटिंग बोल ली नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन तो कितना आ गया हमारे पास वन हंड्रेड ये क्या आया हमारा एस्टिमेटेड सम तो एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम में देखो कितना सा डिफरेंस है 136 और 140 सिर्फ चार का डिफरेंस है ठीक है इसके बाद से छोटे वाले के बाद से आप काउंटिंग बोल सकते हो 137 138 139 140 तो फोर का डिफरेंस है वन टू थ्री फोर तो दोनों ही बहुत क्लोज है ठीक है तो इतना हम अगर अंदाजे से भी बता देते कि मैं साठ रुपये की कोई चीज़ लाया एटी रुपीज़ की तो लगभग वन हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ का मैं सामान लाया तो भी लगभग अंदाज़ा हमारा सही होता ठीक है नाउ ई वाला क्वेश्चन बच्चों इस बार दोनों थ्री डिजिट के नंबर है हमारे पास नियरेस्ट टेंस पे हमको तो ये पता है नियरेस्ट टेंथ पे करना है ठीक है पहले तो हम एक्चुअल सब निकाल लेते हैं सिंपली दोनों को लिख के कॉलम फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे थ्री हंड्रेड फोर्टीन थ्री हंड्रेड फोर्टीन सेवन हंड्रेड नाइन सेवन और नाइन ठीक है सिंपली प्लस करेंगे बहुत अच्छा पेयर है नाइन और फोर का हमें ट्रिक पता है फोर के पहले क्या आता है थ्री तो थर्टीन ठीक है और अभी तक जिसको ये ट्रिक नहीं आई है वो कैसे निकालेगा वन टू थ्री फोर ठीक है और काउंटिंग कहाँ से बोलेगा नाइन के बाद से मतलब टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो थर्टीन का जो वन है वो कहाँ पे आएगा कैरी में और थ्री कहाँ पे आएगा नीचे ठीक है फिर वन प्लस वन करना है मतलब टू सिंपली टू वन में वन प्लस करेंगे तो टू ही आता है सेवन में थ्री प्लस करना है सिक्स प्लस फोर हमेशा टेन होता है सेवन प्लस थ्री हमेशा टेन होता है फाइव प्लस फाइव टेन होता है ये चीज़ें बच्चों आपको याद होनी चाहिए वन टू थ्री पहले काउंट कर लो और सेवन के बाद काउंटिंग बोलेंगे तो एट नाइन टेन सेवन प्लस थ्री हमेशा टेन होता है ये पेयर्स बच्चों इसी चैप्टर में कितनी बार आ गए हैं सभी तो कुल मिला के बच्चों हमारा जो एक्चुअल सम आया वो कितना आया है वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बड़े नंबर देख के कभी घबराना नहीं है ठीक है कितना भी बड़ा हो वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हमारा एक्चुअल सम आया है इन दोनों को प्लस करने पर हमें कौन सा निकालना है अब एस्टिमेटेड सम उसकी पहली स्टेप क्या होती है दोनों को राउंड ऑफ करो उसके बाद सम करो ठीक है तो पहली स्टेप में हम सिंपली राउंड ऑफ करेंगे राउंड ऑफ़ करेंगे तो कितना भी बड़ा नंबर हो हमको तो ये पता है नियरेस्ट टेंथ पे राउंड ऑफ़ करना है तो वंस वाली डिजिट हमको देखनी है टेंथ पे राउंड ऑफ़ करना है तो वंस वाली डिजिट देखनी है अगर फाइव से छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा लेफ्ट वाली में और ये खुद जीरो हो जाएगी तो ये बिल्कुल थ्री और वन थ्री और वन और ये जीरो हो गई थ्री हंड्रेड ठीक है ठीके? और अगर आप आज जो हमने ट्रिक सीखी उससे सोचो तो आपको पता होना चाहिए कि एलेवन और फोर्टीन इलेवन से लेके 14 टेन की टीम में आते हैं तो थ्री हंड्रेड से लेके थ्री हंड्रेड तक थ्री हंड्रेड टेन की टीम में आएंगे बस आगे थ्री थ्री लग गया है ठीक है 14 किसके बीच में आता है टेन और ट्वेंटी के बीच में ठीक है लेकिन फोर्टीन तक इलेवन से लेके फोर्टीन तक सब किसकी टीम में रहते हैं टेन की टीम में इस तरह से भी आप सोच सकते हैं बच्चों तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि थ्री हंड्रेड फिफ्टीन आ गया तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी की टीम में चला गया और थ्री हंड्रेड फोर्टीन तक थ्री हंड्रेड टेन की टीम में ही रहा ये तभी होगा जब आप खुद के हाथों से खुद के दिमाग को सिखाते हुए चलोगे अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर की तो वो क्या है सेवन हंड्रेड नाइन हमें तो क्या करना है नियरेस्ट टेंथस पे राउंड ऑफ करना है तो वंस वाले डिजिट को ही हमें देखना है सिर्फ इसको ध्यान में रखना है ये फाइव या फाइव से बड़ी है स्ट्रॉन्ग नंबर है तो इसमें वन प्लस करके जीरो होगी तो इसमें वन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो प्लस वन वन ठीक है और ये खुद क्या हो जाएगी ज़ीरो तो सेवन हंड्रेड टेन ठीक है अब इन दोनों का सम ले लेंगे हम ऐसे ही तो करते हैं एस्टिमेटेड सम में पहले स्टेप में राउंड ऑफ कर देते हैं और फिर सेकंड स्टेप में सम कर देते हैं तो जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो वन प्लस वन टू और सेवन प्लस थ्री अभी हमने ऊपर किया था टेन ही होता है ठीक है तो इस बार हमारा आंसर कितना आया एस्टिमेटेड अंदाजे वाला वन वन थाउजेंड ट्वेंटी तो कितना करीब है बच्चों देखो यहां पे क्या आया था वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बस ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी इतना सा डिफरेंस है तीन तीन स्टेप्स का तीन नंबर्स का डिफरेंस है ठीक है तो बहुत क्लोज है हम ठीक है तो हमारा एस्टिमेशन सही है लगभग करीब आना चाहिए ज़्यादा दूर नहीं आना चाहिए तो हमारा अंदाज़ा सही रहता है ठीक है ऐसा नहीं अगर आप तीन सौ चौदह रुपये की कोई चीज़ लाए हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं चार सौ रुपये का लाया हूँ ठीक है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा एस्टिमेशन में और एक्चुअल वैल्यू में ठीक है तो बहुत सोच समझ के हमें राउंड ऑफ़ करना होता है उसी के जस्ट करीब वाला नंबर हमें बोलना होता है अगर आप हंड्रेड पर राउंड ऑफ़ कर रहे हैं कि टेंथ पे राउंड ऑफ़ कर रहे हैं ठीक है उस पर भी डिपेंड करता है एक्चुअल सम फिर से 78546 दो नंबर हमको दिए हुए हैं सबसे पहले हम एक्चुअल सम निकालेंगे दोनों का ठीक है सिक्स प्लस फाइव हमेशा इलेवन होता है पहले भी कितनी बार दोनों आ चुके हैं साथ में है ना वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स के बाद से काउंटिंग बोलेंगे सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो ये हो गया हमारा एलेवन एट प्लस फ़ोर हमेशा ट्वेल्व होता है याद रखो नहीं तो एक और चीज़ आप कर सकते हो एट में पहले वन प्लस कर दो तो नाइन हो जाएगा और जैसे ही नाइन बन जाता है हमको एक ट्रिक आती है कि इस नाइन में अगर हम फोर प्लस करेंगे तो फोर के पहले क्या आता है थ्री तो थ्री से थर्टीन ठीक है वन टू थ्री फोर और नाइन के बाद से अगर आप काउंटिंग बोलोगे तो टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो जितने ज़्यादा बच्चों आप एडिशन की प्रैक्टिस करोगे आप इस चीज़ को भी डिसाइड कर पाओगे कि पहले मैं किस में क्या प्लस करूँ कि मेरा काम आसान हो जाए मेरा आंसर जल्दी भी आए और सही भी आए ठीक है अब हमको क्या करना है सेवन में वन प्लस करना है मतलब सेवन के बाद काउंटिंग में कौन आता है एट जब भी हम वन प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर हम लिख देते हैं ठीक है एक्चुअल सम बच्चों कितना है हमारा एट हंड्रेड थर्टी वन जिसमें हमने सिर्फ इसको प्लस किया है जैसा का जैसा दे रखा है वैसे का वैसा हमने प्लस कर दिया अब एस्टिमेटेड सम निकालना है अंदाजे वाला कैसे निकालेंगे दो स्टेप में निकालेंगे पहली स्टेप क्या होती है राउंड ऑफ करना इन दोनों को राउंड ऑफ कर देंगे तो वंस वाली डिजिट देखेंगे क्यों क्योंकि नियरेस्ट टेंथ पे राउंड ऑफ करना है इसलिए तो वंस वाली डिजिट आप देखिए दोनों में ही फाइव या फाइव से बड़ी है यहाँ पे फाइव है तो ये क्या हो जाएगा सेवन हंड्रेड नाइन्टी हो जाएगा एट्टी फाइव का नाइन्टी हो जाएगा ठीक है हम ये चीज़ पढ़ ही चुके हैं कि जब जैसे ही फाइव आना शुरू होता है ये दूसरे वाले की टीम में चले जाते हैं फिफ्टीन से लेके नाइनटीन ट्वेंटी की टीम में ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी नाइन थर्टी की टीम में थर्टी फाइव से थर्टी नाइन फोर्टी की टीम में ऐसे ही 85 फाइव से एटी नाइन नाइन्टी की टीम में तो ये सेवन हंड्रेड नाइन्टी हो जाएगा वैसे भी आप सोच सकते हैं ठीक है नहीं तो वो ट्रिक तो हमको आती ही है डायरेक्ट वाली कि इसमें वन प्लस करके फिर ज़ीरो होगा ऐसे ही ये भी फाइव से बड़ा है तो इसमें वन प्लस करके फिर जीरो होगा ठीक है मतलब फोर को फाइव बना के फिर जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा तो सबसे पहले स्टेप हमारी क्या है बच्चों राउंड ऑफ उससे पहले आप इसका वीडियो को पोस्ट करके और आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए या फिर इसका स्नैप ले लीजिए ताकि आप बाद में कॉपी कर सकें स्क्रीन शॉट ठीक है सो आई होप बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा पोस्ट करके सामना टर्निंग द पेज ठीक है बच्चों तो पहले स्टेप हमारी क्या थी एस्टिमेटेड सम निकालने की पहले राउंड ऑफ करो उसके बाद सम करो तो पहले हमने राउंड ऑफ किया कैसे किया वंस वाले डिजिट देखी क्योंकि नियरेस्ट टेंथस पे राउंड ऑफ करना है तो वंस वाले डिजिट देखेंगे ठीक है वंस में कौन है फाइव या फाइव से बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है तो इसमें वन प्लस करके फिर जीरो होगा एट को नाइन बना देगा फिर ज़ीरो होगा जस्ट लेफ्ट वाले में ही वन प्लस करना है इसमें नहीं करना है इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो होगा उसमें करना है एट को नाइन बना के फिर जीरो हो जाएगा ठीक है और हमको वैसे ही पता है एटी फाइव से एटी नाइन सब नाइन्टी की टीम में होते हैं तो सेवन हंड्रेड एटी फाइव बस सेवन जुड़ गया आगे ठीक है ऐसे ही बच्चों फाइव यहाँ पे वन प्लस पे कौन है सिक्स है फाइव या फाइव से बड़ा है सिक्स फाइव से बड़ा होता है जी हाँ तो इसमें वन प्लस करेगा फोर को फाइव बनाएगा फिर जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये तो कर लिया हमने दोनों का राउंड ऑफ़ अब इन दोनों राउंड ऑफ वैल्यूज़ का हम कर लेंगे प्लस ठीक है स्टेप टू हमारी क्या है सम इन दोनों का सम हम निकालेंगे कितना आता है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो जीरो, जीरो ठीक है इन दोनों का प्लस करना है राउंड ऑफ़ वैल्यूज़ का नाइन में फाइव प्लस करना है बहुत ईजी है ट्रिक हमें आती है फाइव से पहले क्या आता है फोर तो फोरटीन या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव और नाइन के बाद से काउंटिंग बोलेंगे तो टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ही आएगा ठीक है और सेवन में हमको वन प्लस करना है तो कितना हो जाएगा एट ये कौन सी वैल्यू आई एस्टिमेटेड सम वाली वैल्यू ठीक है आंसर जो आया हमारा और यहाँ पे कितना आया था एक्चुअल 831 तो दोनों ही बहुत करीब है बच्चों 831 और 840 ठीक है ज़्यादा दूर इनको नहीं मानते हैं क्योंकि लगभग इतना ही है तो इस तरह से बच्चों हम एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालते हैं रियल लाइफ में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था अगर आप कोई चीज़ लाते हो थ्री हंड्रेड की तो आप एस्टिमेशन लगा के बोल सकते हो कि फोर हंड्रेड का मैं लगभग लाया हूँ ठीक है सो दैट्स हाउ वील यूज दिस एस्टिमेटेड सम्लीकेशन आप चाहो तो बच्चों इसका स्नैप शॉट ले सकते हो ठीक है और या फिर वीडियो को पोस्ट करके कॉपी कर सकते हो इनावर नेक्स्ट लास्ट बच्चों हम जो सेकेंड क्वेश्चन लेंगे उसमें हम नियरेस्ट हंड्रेड पर राउंड ऑफ करेंगे उसमें हम कौन सी डिजिट देखेंगे टेंथ वाली फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और थर्ड क्लास में भी आपके आ चुका है नियरेस्ट हंड्रेड्स ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसमें हम नियरेस्ट हंड्रेड काम वही करेंगे जो अब तक हमने किया इन सारे क्वेश्चन में रट जा, आपको रट जाएगा इतनी बार हम कर लेंगे इसको सिक्स टाइम्स तो हम कर चुके हैं वही पहले एक्चुअल सम निकालेंगे और फिर नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ करेंगे बस इस बार एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए राउंड ऑफ करके दोनों का सम ले लेंगे तो एस्टिमेटेड सम हमारा आ जाएगा ठीक है सो विल कंटिन्यू फ्रॉम योर द सेकंड क्वेश्चन सटिल दैन गुड बाय ऑफ यू विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास सटिल दैन गुड बाय